जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। ऐसी कई चर्चा जोर पकड़ रही हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन चर्चाओं के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। चर्चा नंबर एक, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर की सीट बेहट से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके यहां से चुनाव लड़ने का कारण एक यह भी है कि 2017 में भाजपा की लहर थी, लेकिन जिले से दो सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। साथ ही यहां से चुनाव लड़कर प्रियंका गांधी मजबूत होने का संदेश भी पूरे प्रदेश में देना चाहती हैं। चर्चा नंबर दो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जिले की सीट चरथावल से चुनाव लड़ेंगे। यहां से विजय कश्यप विधायक थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। कहा जा रहा है कि यहां से चुनाव लड़कर योगी पूरे पश्चिम को साधना चाहते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का यूपी में सर्वाधिक असर पश्चिमी यूपी में ही है। चर्चा के अनुसार भाजपा की तैयारी पहले गन्ना मंत्री सुरेश राणा को चरथावल सीट से लड़ाने की थी, जो वर्तमान में शामली जिले की थाना भवन सीट से विधायक हैं। चर्चा नंबर तीन, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन होगा। चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में शामिल रहेगी, और इस गठबंधन का सीएम फेस राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे। जल्द ही ऐसा समीकरण बनते हुए एक नए गठबंधन का ऐलान हो सकता है। चर्चा नंबर पांच, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 12 नवंबर को जयंत और अखिलेश की मुलाकात होगी और लखनऊ में इसी दिन गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा। चर्चा नंबर छह, अखिलेश यादव रालोद को 24 से अधिक सीट नहीं देना चाहते हैं, और रालोद की मांग 45 से 50 सीट की है। अखिलेश मन बना चुके हैं कि 24 से ज्यादा सीट नहीं दी जाए। चर्चा नंबर सात, प्रियंका गांधी यूपी के रन में बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। चर्चा है कि भाजपा चाहती है कि कांग्रेस लाइमलाइट में आए, और भाजपा ऐसा ही करवा रही है, जिससे वोट बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़े और भाजपा में पुनः सत्ता वापसी की भाजपा की जो प्रयास है वो सफल हो जाए। हम आपको बता दें कि यह सियासी समर की चर्चाएं हैं, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि इंडिया एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करता है।